बात करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने वर्धा में रैली को संबोधित किया। वर्धा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर कटाक्ष, जहां कांग्रेस की सोच दलित विरोधी है, पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि कांग्रेस उनके दोस्तों ने SC ST को दबा कर रखा है, कामगारों के हुनर को पहले सम्मान नहीं मिलता था, कांग्रेस के लोगों को गणपति पूजा से नफरत है। तो पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को गणपति पूजा से भी नफरत है, मैं गणेश पूजा में चला गया तो कांग्रेस को तकलीफ होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश की धरती पर जाकर भारत को अपमानित करते हैं, पिछली सरकारों की दलित पिछड़े विरोधी मानसिकता के चलते विश्वकर्मा समाज को कभी आगे नहीं आने दिया गया। दुर्भाग्य से पिछले 70 साल में किसी भी सरकार ने ग्रामीण उद्योग और स्वदेशी पारंपरिक हुनर को आगे बढ़ाने या विश्वकर्मा समाज की समृद्धि के लिए काम नहीं किया, लेकिन पिछले एक साल में ही 8 लाख से ज्यादा कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया। केवल महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है।